Mrs. Fitzgerald crosses and hurries out to the door right. अब Mrs. Fitzgerald जो है वो जल्दी से और तेजी से जो है right door से बाहर निकल जाती है. Left to herself, Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette and begins laying out the cards for patience on the table. अब कौन बचता है वहाँ पे? Mrs. Pearson. वो फिर अपनी सिगरेट को है उसको फिर पीना शुरू कर देती है और दूसरी सिगरेट एक और जला लेती है. साथ ही साथ वो जो है कार्ड्स को अपनी टेबल पे बिछा देती है ताकि उनको थोड़ा सा आराम मिल सके, एक वो चैन से उस चीजों को सोच सके. After a few moments, Doris Pearson comes bursting in left. थोड़ी देर बाद जो है Doris Pearson आती है और वो जो है लेफ्ट से आती है बहुत चिल्लाती हुई. She is a pretty girl in her early 20s who would be pleasant enough if she had not been spoiled. वो जो है एक सुंदर सी लड़की है, लगभग 20 साल की होगी और वो काफी अच्छी लड़की लगती अगर वो इस तरह से बिगड़ी हुई नहीं होती. यानी कि वो नेचर से जो है वो बहुत अच्छी लगती क्योंकि गुड लुकिंग थी, अभी यंग थी, लेकिन जिस तरह से वो बिगड़ी हुई थी उस तरह से उसका जो नेचर है वो काफी खराब हो चुका था. डोरिस, बिफोर शी हैड टेकन एनीथिंग इन, मॉम यू विल हैव टू आयरन माय येलो सिल्क. अब डोरिस जो है उनसे कहती है मिसेस पियर्सन से कि आपको जो है मेरी येलो सिल्क को प्रेस करना है, आयरन करना है. आई मस्ट वेयर इट टुनाइट, मुझे वो आज पहननी है. She now sees what is happening and is astounded. अब वो देखती है कि हो क्या रहा है तो वो जो है चौंक जाती है. What are you doing? She moves down left center. वो जो है पूछती है आप क्या कर रही हो और लेफ्ट स्किन में सेंटर की तरफ आ जाती है. Mrs. Pearson now uses her ordinary voice, but her manner is not fluttering and apologetic, but cool and incisive. अब Mrs. Pearson जो है अपनी नॉर्मल आवाज को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनका जो बात करने का तरीका है ना तो अब उसमें घबराहट है ना ऐसा है कि वो माफी मांग रही हैं, बिल्कुल काम और बड़ी प्यार से बात कर रही हैं. Mrs. Pearson, not even looking up, what do you think I am doing? Whitewashing the ceiling? अब Mrs. Pearson कहती हैं, उसकी तरफ देखती भी नहीं है डॉरिस की तरफ और उससे ही ऐसे ही बोलती है नीचे मुंह करके कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ, सीलिंग पर व्हाइट वॉश कर रही हूँ. डॉरिस स्टिल astounded. But you are smoking. तो डॉरिस बोलती है पर आप तो स्मोक कर रहे हो. Mrs. Pearson, that's right, dear. No law against it, is there? Mrs. Pearson कहती है, बिल्कुल सही बात है. इसके खिलाफ कोई कानून तो है नहीं. Doris, but I thought you didn't smoke. तो डॉरिस कहती है, मुझे नहीं पता था कि आप जो है स्मोक भी करती हैं. Mrs. Pearson, then you thought wrong. तो फिर Mrs. Pearson कहती है कि तुम गलत सोचती थी. Doris, are we having tea in the kitchen? अब डॉरिस पूछती है कि क्या किचन में हमारे लोगों के लिए चाय रखी है. मिसेस पियर्सन, हैव इट वेयर यू लाइक डियर. अब मिसेस पियर्सन बोलती है तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो. डॉरिस एंग्रीली, डू यू मीन इट, इजंट रेडी. अब डॉरिस गुस्से में आ जाती है, बोलती है क्या मतलब चाय तैयार नहीं है. मिसेस पियर्सन, यस इजंट, आई हैव हैड ऑल आई वांट, माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडन. अब मिसेस पियर्सन कहती है तुम्हारी तैयार नहीं है, मुझे पीनी थी मैंने पी ली और हो सकता है मैं बाद में बाहर जाऊं और हो सकता है क्लैरेंडन में जाके ना खाना भी खा के आऊं. डॉरिस, हू माइट? अब डॉरिस को जो है अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा है, बोले कौन जाएगा. मिसेस पियर्सन, आई माइट, हू डू यू थिंक? मिसेस पियर्सन कहती है मैं जाऊंगी, तुम किसको सोच रही हो. डॉरिस स्टेयरिंग एट हर, मॉम व्हाट्स द मैटर विद यू. अब डॉरिस जो है उसकी तरफ भूखे देख के बोलती है कि मॉम क्या हो गया आपको. मिसेस पियर्सन, डोंट बी सिली. तो मिसेस पियर्सन कहती है इसमें इतना उसकी क्या बात है. Doris, it's not me that's being silly, and I must say it's a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? अब Doris जो है वो कहती है ये मैं बेवकूफ़ वाली बात नहीं कर रही हूँ और बल्कि मैं ये कहूँगी कि ये कुछ ज्यादा भी नहीं है, मैं पूरा दिन मेहनत करके बाहर काम करती हूँ और आपको इस बात की भी चिंता नहीं है कि मेरी चाय तैयार है या नहीं. आपने सुना था मैंने अपनी येलो सिल्क के बारे में आपसे क्या कहा था. मिसेस पियर्सन, नो, डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड. तो मिसेस पियर्सन कहती है नहीं, तुम क्या चाहती हो आप करूं, मैंने तो नहीं करी. डॉरिस, ऑफ कोर्स आई लाइक इट एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टुनाइट, सो आई वांट इट आयरन. डॉरिस कहती है हाँ मुझे पसंद है और मैं जो हूँ उसको आज रात में पहनने वाली हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप उसको आयरन कर दो. मिसेस पियर्सन, वांट इट आयरन? What do you think it's going to do? Iron itself? तो Mrs. Pearson कहती है, iron कर दो? तुम क्या सोच रहे हो? कौन करेगा इसको? अपने आप iron करो? Doris, no. You are going to do it for me. You always do. तो Doris कहती है, नहीं, आप इसको मेरे लिए iron करोगी. आप हमेशा से करती हो. Mrs. Pearson, well, this time I don't. And don't talk rubbish to me about working hard. तो
तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि इस समय तो मैं नहीं करूंगी या इस बार तो मैं तुम्हारी ड्रेस पे आयरन नहीं करूंगी और ये सब बेकार की बातें मुझसे मत करो कि तुम बहुत मेहनत करती हो। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू डॉरिस पियर्सन, और मेरे को बहुत अच्छे से अंदाजा है कि तुम कितनी मेहनत करती हो डॉरिस पियर्सन। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू एंड गेट नो वेजेस नो थैंक्स फॉर इट, तुम जितनी मेहनत करते हो मैं उससे दुगनी मेहनत करती हूँ, उससे दुगना काम करती हूँ, पर मेरे को तो उसके लिए कोई तनख्वाह नहीं मिलती, ना मेरे को उसके लिए कोई थैंक यू बोलता है। व्हाई आर यू गोइंग टू वेयर योर येलो सिल्क, वेयर आर यू गोइंग, और तुम्हें अपनी येलो सिल्क क्यों पहननी है, तुम कहाँ जा रही हो। डॉरिस, आउट विद चार्ली स्पेंस, तो डॉरिस कहती है मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन, व्हाई, तो वो पूछते क्यों जा रही हो। डॉरिस, व्हाई व्हाई व्हाट्स द मैटर विद यू, why shouldn't I go with Charlie Spence if he asks me and I want to, any objections, go on, you might as well tell me। Doris कहती है क्यों क्यों आपको हो क्या गया है, क्यों मैं नहीं जाऊं Charlie Spence के साथ अगर वो मुझसे जाने को कह रहा है और मैं खुद भी जाना चाहती हूँ, आपको कोई objection है, अगर है तो बोलो वो भी बता दो। Mrs. Pearson, can't you find anybody better, I wouldn't be seen dead with Charlie Spence, buck-teeth and half-witted। मिसेस पियर्सन, तुम्हें इससे कोई और अच्छा नहीं मिला, मैं तो अगर चार्ली स्पेंस के साथ जाऊं तो मर ही जाऊं, दांत बाहर निकले हुए, आधा सरका हुआ, कम अकल। डॉरिस, ही इजंट, तो डॉरिस कहती है नहीं वो ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन, व्हेन आई वाज योर एज आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस और गिवन मायसेल्फ अप एज अ बैड जॉब। मिसेस पियर्सन, अगर मैं तुम्हारी उम्र की होती तो मैंने चार्ली से बेटर ढूंढ लिया होता या फिर ये काम ही छोड़ दिया होता, यानी कि मेरे को नहीं लगता कि अगर ये अच्छा है ऐसे ही मिल लेते तो बेटर है, मैं ढूंढू ही नहीं। डॉरिस, नियरली इन टीयर्स, ओह शट अप, अब डॉरिस जो है उसके लगभग एक तरह से आंखों में आंसू आ गए थे, तो वो बोलती है चुप हो जाइए। डॉरिस रन्स आउट लेफ्ट, मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बिगिंस पुटिंग द कार्स टुगेदर, अब डॉरिस जो है वहां से लेफ्ट की तरफ चली जाती है और मिसेस पियर्सन जो है वो खुश हो जाती है और अपने कार्स को इकट्ठा करने लगती है। After a moment, Cyril Pearson enters left. अब थोड़ी देर बाद जो है साइरिल पियर्सन आते हैं लेफ्ट से। He is the masculine counterpart of Doris. अब वो जो है बिल्कुल देखने में डॉरिस के जैसा ही है, पर उसका जो बॉडी है वो मस्कुलिन है, यानी कि वो उनका भाई है, इसलिए काफी हद तक पर्सनैलिटी डॉरिस जैसी है।